अस्सलाम वालेकुम। क्या हम जानबूझ करते हैं कि आप खैरियत होंगे, मर्दों के आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हम अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक, मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे, वीडियो का टाइटल हिंदी में, तो जो भाई साहब वो पबजी वाली लड़की गई थी बच्चों के साथ, बड़ी रिकमेंडेड वीडियो है भाई साहब, बार बार कई बंदे, एक नहीं कई बंदे बोल रहे थे इसके शेयर करो। तो देखते हैं बच्चे जी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अच्छा, देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन ऑन करते हैं, 3 2 1 गो स्टार्ट। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और मोदी जी, योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ की नागरिकता दें ताकि मेरे बच्चे स्कूल जा सके। मेरे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं कब से। आपकी शादी उस तरीके कराएंगे जैसे हमारे गांव में होती है, घर पे होती है शादी, जैसे हिंदू धर्म में शादी होती है। जितने कल लोग थे आज उससे डबल आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। बस हमें हमारा ये है कि हमारा बस परिवार खुश रहे, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारे माँ बाप, बस। और हम, मैं आज फिर से पहुँचा हूँ रबुपुरा में, सीमा हैदर का आज ससुराल में दूसरा दिन है। आज हम सीमा हैदर से फिर से बातचीत करेंगे कि दूसरा दिन जिस तरह से यहाँ पर इनको हुआ है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर। बहुत अच्छा सर, जितने कल लोग थे आज उससे डबल आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। जैसे लोगों को पता पड़ रहा है वो दूर दूर से आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए इनसे। आपको इंडिया में कितना समय हो गया लगभग यहाँ रहते हुए। मैं 13 मई को आई थी, तो आज जून है, तीसरा महीना चल रहा है, मई 10-13 मई को। और ससुराल में क्या दिन हुए हैं। यहाँ पे दूसरा दिन है सर। दूसरा दिन है जी सर। तो जो ससुराल वाले लोग हैं आपके, जैसे कि देवर होते हैं, जेठ होते हैं, इनके देवर, आपके देवर जेठ हैं या जेठ हैं। अब मिलने नहीं आए, वो अलग रहते हैं। अच्छा, अभी तक आए नहीं। और देवर वो तो साथ हैं, वो तो भैया जैसे बहुत ध्यान रखे मेरे छोटे। हाँ, क्या खाया आज सुबह। आज हमने लौकी बनाई थी। अच्छा, क्योंकि यहाँ यही खाया जाता, सब्जी खाया जाता। जिस तरह से पहले आप मीट मच्छी वगैरह जैसे सब छोड़ दिया आपने। छोड़ दिया, सब छोड़ चुके हैं। हाँ, उसे बहुत समय हो गया छोड़े। अच्छा, एक सवाल हमारे बार बार जहन में गूंज रहा है। आपको जहाँ आप पहले पाकिस्तान में रहते थे, आपको जो पहले हस्बैंड आपके थे वो 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ आपको खर्चे के लिए भेजते थे। अब यहाँ सचिन की जो सैलरी है वो ना के बराबर है। सचिन कितना कमा लेते हैं महीने में आप। 13 हज़ार रुपये महीने का, 13 हज़ार महीने के कमाते हैं। 13 हज़ार जी। तो क्या आप 13 हज़ार रुपये में सर्वाइव कर पाएंगे। कर लेंगे सर, क्योंकि यहाँ के 13 हज़ार ना वहाँ के डबल मिला लें, इतना 26 हो गए। फिर भी डबल से टिप, डबल ऊपर डाल दें, 13 में डबल डाल दें, क्योंकि यहाँ का 1 रुपया वहाँ के 4 से 3 रुपये। प्यार के सामने पैसा अहमियत नहीं रखता। और नहीं रखता। हाँ। क्योंकि मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए, क्योंकि मैं, अगर मुझे पैसा प्यारा होता तो मैं वहीं रह के ऐश से जीती। मुझे ये चाहिए थे। अच्छा, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो जैसे इस तरह शादीशुदा महिलाओं को या पुरुष को किसी से प्यार हो गया, अक्सर हम लोग खबरें भी देखते हैं कि 7 बच्चों की माँ बच्चों को छोड़कर फरार हो गई। आपने बच्चे नहीं छोड़े। नहीं, मुझे उन औरतों से भी नफरत थी जो अपने बच्चे छोड़ के जाती थी। पीछे ये छोटे से कहाँ जाते। हाँ, मैं अपनी खुद गर्ज हो भी जाती, यहाँ छोड़ा थी इनको, तो ये पीछे सारी ज़िंदगी रोते रहते ना। जैसे हम माँ के लिए तरसे, ये भी माँ के लिए तरसते रहते। तो अगर ये बच्चे नहीं लेते तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। अगर अच्छा, एक बात और हम आपसे पूछेंगे कि जिस तरह से बहुत सारे जो पति हैं वो अपनी पत्नियों को छोड़कर विदेश में पैसा कमाने के लिए निकल जाते हैं, क्या जो अकेलापन है वो आपको खा गया जिसकी वजह से आपने अपना साथी ढूंढा। इस तरह से पत्नियों को छोड़कर वो विदेश में रहें इतने दिन तक या ना रहें। रहें पर पीछे पत्नियों की रिस्पेक्ट करें। मेरे पति मेरे रिस्पेक्ट नहीं करते, वो सुन रहे होंगे, और उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि काश वो मेरी रिस्पेक्ट करते कॉल पे भी, तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। वो रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते, गंदी लैंग्वेज, गाली गलौज करके, बहुत जलील करके, फिर एंड में अच्छे बनने की कोशिश करना, ये अच्छा नहीं है। ये मैं उनको, हैदर को भी कहना चाहती हूँ कि जितने तुम मेरे साथ करते थे और फिर एंड में अच्छे बनते थे, वो तो बिल्कुल रो रहे हैं वहाँ से, फिफिया रहे हैं कि मेरे बच्चों को वापस वहाँ से भेज। मैं नहीं जाऊँगी सर। हाँ। ना मेरे बच्चे जाएंगे, छोटे तो मैं नहीं दूंगी। हाँ, बड़ों से आप भी पूछ सकते हैं, यहाँ की हुकूमत, मीडिया सब पूछ सकती है। अगर बड़े दोनों जाना चाहते हैं हैदर के पास, अगर उन्होंने इनको प्यार दिया है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सचिन, आपको जो 4-4 बच्चे हैं, हिंदू धर्म में 1 या 2 बच्चा ज़्यादातर मायने रखता है और अमूमन ऐसा होता भी है, मगर अब 4 बच्चे ऑलरेडी आपको मिल गए हैं और जाहिर सी बात है कि आगे भी होंगे, तो कैसे कर पाएंगे आप। 13 हज़ार की सैलरी है आपकी सर, पढ़ाना लिखाना।
वो सब आगे को देखा जाएगा, फिर देखूंगा अपना दूसरा अपना ही काम करूंगा, देखूंगा कुछ जो हमारा खर्चा आराम से, हमें कुछ ज़्यादा पैसों वैसों से यानी कि वो नहीं है, बस हमें हमारा ये है कि हमारा बस परिवार खुश रहे, हमारे बच्चे हमारी बीवी हमारे माँ बाप बस, और हम बस खुश रहें यहाँ पर, बस खाना पीना टाइम से मिलता रहे, बस ये गुजारिश करूँगा, और इतना ही कमाने वो करूँगा मैं। बच्चों यानी अपने बच्चों को पाल सकते हो, इतना कमा सकते हो? हाँ जी सर। तो बच्चों को पढ़ाने का क्या प्लान है आगे? पढ़ाने के लिए ही तो ये हमने वकील के पास गए थे सर, केमिन के बच्चों का आधार कार्ड फादर कार्ड बन जाएगा, वकील के पास चलते हैं, तो उस वकील ने ही आज हम यहाँ पर लाए। सुना है शादी की भी तैयारी चल रही है? हाँ जी, पापा वालों बोल रहे थे कि आपकी शादी उस तरीका कराएंगे जैसे हमारे गांव में होती है, घर पे होती है शादी, जैसे हिंदू धर्म में शादी होती है उस तरीका की, जैसी भी मंदिर में। तो आप शादी पहले कर चुके हैं, मगर जैसे गांव में फेरे वगैरह लिए जाते हैं है ना पूरी तरीके से रीति रिवाज के अनुसार, उस तरह से करना जी सर जी। तो कितनी जल्दी प्लान अभी कुछ ऐसा सर अब देखते हैं, जैसे अभी बात चल रही है जी सर। बहुत जल्दी शादी करने वाली हैं आप दोबारा से, पहले तो आप शादी कर चुके हैं जी। तो क्या कुछ तैयारी है, कुछ आपस में बात तो हुई होंगी, थोड़ा बहुत टाइम मिला हुआ? अभी कह मीडिया आपको घेरे हुए हालांकि दो दिन से। हाँ वही तो, बस समय नहीं मिल रहा। हाँ। पापा कह रहे थे कि एक दो दिनों में हो जाएगा, पर अभी कल से जो है ना मीडिया और लोग, सुबह से मीडिया नहीं थी, सुबह से लोग बहुत आ रहे थे, उनसे मिलना बहुत दूर दूर के आ रहे हैं मुझे देखने के लिए कि देखा है सचिन की बहू, तो इसलिए भी ऐसा पछतावा तो नहीं हो रहा है कि भाई पाकिस्तान को छोड़कर हम लोग इंडिया आ गए, पति को छोड़ दिया, इतनी अच्छी सैलरी थी, इतना अच्छा कुछ था, ऐसा कुछ पछतावा तो नहीं हो रहा? मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ, ना ही कभी पाकिस्तान की याद आई, मेरे भैया बहन हैं उनकी भी कभी याद नहीं आई, बस वो भी खुश रहे, मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। कितना पढ़े हैं आप? मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी, 5 तक पढ़ी हूँ सर। मगर आप इंग्लिश जानते हैं? बहुत अच्छे से जानती हूँ सर, और ये 9वीं पढ़े हैं। कुछ बोल के दिखाइए इंग्लिश में, मतलब किस तरह? मैं इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया आ गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम कम टू फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, कम टू इंडिया, इतनी ज़्यादा नहीं आती सर, कोई इजी स्टेप आ जाते हैं। अच्छा, तो इंग्लिश कहाँ से सीखी आप? ये मैंने पढ़ी थी सर। और कंप्यूटर भी चलाना जानती हैं? नहीं नहीं, कंप्यूटर कुछ भी नहीं जानती। हाँ मोबाइल अच्छे से, मोबाइल की हर फीचर जानती हूँ। मोबाइल के हर फीचर कहाँ से सीखा आपने, आप ही बैठे बैठे? मोबाइल बचपन से, मुझे मोबाइल का शौक बहुत होता था, पर हमारे यहाँ शादी से पहले अलाउड नहीं होता फ़ोन। अच्छा जी सर। अच्छा जब आप आए थे तो बताते हैं कि आपके पास टूटा हुआ कोई फ़ोन भी था और हाँ। उसमें मेरे लड़के उनकी सालगिरह की वीडियोस थी और मैं वहाँ बनवा रही थी, 36,000 लेते, इन्होंने कहा कि यहाँ 6 से 7,000 में बन जाएगा, रीनो 6 था, तो मैंने कहा ठीक है मैं ले आती हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि छुपा कर, बहुत साल 1.5 साल पुराना, मतलब वो ख़राब था, तो इनके कहने पर मैं यहाँ ले आई। हर एक बात को आपने रिकॉर्ड किया शुरू से अब तक? जी, हाथ काटे तब भी हम बनाते थे, यहाँ लड़ाई होती थी, यहाँ वीडियो कॉल बात करते थे। हाँ। वीडियो बना के वो भी डालती थी। अच्छा। प्राइवेट थी, अब पब्लिक कर दिए। अच्छा, अगर सचिन आपसे रूठ जाया करते थे? हाँ, तब भी तो आप हाथ वगैरह काट लेती थी? जी, वो रोने की हंसने की सब उसमें वीडियो पड़ी है। अच्छा एक बात और बताइए, सचिन ने कभी प्रेशर बनाया कि आप इंडिया आ जाओ या आप खुद आए? इन्होंने बोला, पाकिस्तान भी तो बुला सकते थे, जैसे सनी को वहाँ जाना पड़ गया था। या तुम, आपको लगता है ये पाकिस्तान आ सकते थे? सीधे हैं, बहुत भोले हैं। हाँ। इसीलिए आपने सोचा कि भाई मुझे ना, इन्होंने कहा था इनका पासपोर्ट नहीं बन रहा था। अच्छा, यहाँ भी बहुत सिक्योरिटी है पासपोर्ट के लिए, तो यहाँ बन नहीं रहा था मेरा। अच्छा, सचिन भी तैयार थे वहाँ जाने के? बिल्कुल तैयार थे, और ये मैंने नहीं कहा था, इनका खुद का डिसीजन था कि मैं जाऊँगा। अच्छा जी सर। उसके बाद में फिर आपने ये कदम उठाया और जोखिम उठाने के बाद में आज सचिन के साथ में है। बच्चों का मन लग रहा है यहाँ? बहुत ज़्यादा सर, हद से ज़्यादा बच्चों का मन लग रहा है। दादी और दादा प्यार दे रहे हैं बच्चों? बहुत दे रहे हैं। पापा रात खाना भी पापा के साथ खाया मेरे बच्चों ने, सोए भी उधर अपनी बुआ के साथ। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनसे, इंडिया के लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, योगी और मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो पाकिस्तानियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, हद से ज़्यादा मैं खुश हूँ, और प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ भी ना कहें। कल कुछ एक था, हाँ, मेरे साथ लाइव आया था पाकिस्तानी, तो कुछ अलग तरीके से मुझसे बात कर रहा था कि ये खातून खारिज हो गई ईमान से, इस तरह की कोई बात कर रहा था, तो मैं हो गई हूँ जिस तरह वो कहते तुम खारिज हो गई अगर ईमान से, तो मैं हो गई हूँ, मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ, तो प्लीज़ अब आप लोग भी समझो मेरी मोहब्बत को, मेरे प्यार को। अब मौत और ज़िंदगी तो जो भगवान के हाथ में है, जहन्नम और दोजक भी जो लिखा होगा नसीब में वही मिलेगा, ये नहीं है हिंदू दोजक में जाएंगे या जो मुसलमान जन्नत में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान के
करेक्टर पे होता है सब कुछ। मोदी जी से क्या कहेंगे? और मोदी जी, योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ की नागरिकता दें ताकि मेरे बच्चे स्कूल जा सके। मेरे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं कब से। बड़ा मेरा लड़का जो है ना बहुत होशियार है, वो बड़ा हो रहा है और मेरी लड़की बड़ी भी। सीमा, गुलाम हैदर और सचिन के चारों बच्चे दादी के पास में हैं। दादी की गोद में सबसे छोटा बच्चा है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर बिटिया है और एक बेटा वहाँ खड़ा हुआ है। दो दिन अभी महज हुए हैं यहाँ पर सीमा और सीमा के बच्चों को आए हुए, मगर ये अपनी दादी से यहाँ घुल मिल गए। कितना प्यार मिल रहा है वो बच्चों से ही मैं जानकारी ले लेने की कोशिश करता हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? राज। राज को प्यार कर रहे हैं आपको यहाँ सब? हाँ। प्यार कर रहे हैं? हाँ। किसने ज़्यादा प्यार किया है? इन्होंने। इन्होंने कौन है? मेरी बुआ। अम्मा जी। अम्मा जी कौन है? कौन है आपकी बड़ी अम्मा जी? अम्मा तुम्हारी? लो भैया ये इनकी अम्मा है। दो दिन महज अभी हुए हैं मगर बच्चों को मालूम है कि ये हमारी दादी है। दादी के पास बच्चे लग रहे हैं। जो पति पत्नी हैं वो बराबर वाले रूम में हैं, अभी खाना वाना खाने के लिए वहाँ पर जो है बिजी हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मन लग रहा है आपका भी? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रियंका। हैं? प्रियंका। प्रियंका, अच्छा पढ़ने जाओगे अब? हाँ। वहाँ पढ़ने जाते थे पाकिस्तान में? हाँ। ये कौन सी जगह है पता है आपको? इंडिया। इंडिया, और आप कहाँ से आए हो? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से, तो वहाँ के लोग ज्यादा अच्छे थे या यहाँ के लोग अच्छे? सच बताओ। यहाँ के लोग। यहाँ के लोग अच्छे हैं? हैं बेटा। यहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के अच्छे थे? यहाँ के अच्छे हैं। यहाँ के? यहाँ के लोग अच्छे हैं। क्या अच्छाई लग रही है? ये बहुत प्यार करते हैं मुझसे। और वहाँ पर कोई प्यार नहीं करता था? इतना नहीं करते थे जितना यहाँ पे करते हैं। आपके मामा वगैरह थे वहाँ, जैसे मामू होते हैं? मामू वो फौज में भर्ती हैं। फौज में आती थी, प्यार करती थी? हाँ। है? अच्छा अब मामा की याद नहीं आएगी? आएगी। आएगी अब तो वहाँ जाओगे वापस पाकिस्तान? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? पाकिस्तान के गंदे लोग हैं। पाकिस्तान के गंदे लोग हैं? नहीं, पाकिस्तान मुझे नहीं जाना। नहीं जाना? तो बेटा वजह क्या है, क्यों नहीं जाओगे? वहाँ के लोग अच्छे गंदे हैं? गंदे हैं। हैं जी? गंदे हैं। गंदे लोग हैं पाकिस्तान के? किसने बता दिया इन्हें? ऐसी प्रैक्टिस किसने इनको करा दी, या फिर ये खुद ब खुद मासूम से छोटे छोटे से बच्चे हैं? कौन इनको प्रैक्टिस कराएगा और कौन बताएगा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो गंदे हैं या फिर अच्छे हैं? बच्चे खुद ब खुद अपनी जुबानी ये बात कह रहे हैं। हाँ बेटा जाओगे अपने वहाँ मुल्क? नहीं। अब कौन सा मुल्क है आपका? यही है पाकिस्तान। पाकिस्तान मुल्क आपका था, अब यहाँ होने वाला है ना इंडिया। हाँ। अब तो इंडिया में रहोगे? हाँ। हैं? क्या नाम है आपका? परी। परी, परी? अरे बाप रे, ये तो परी है, परी जैसी है बिल्कुल गुड़िया। क्या नाम है आपका? मुन्नी। मुन्नी है? दादी प्यार कर रही है आपको? हाँ। है? हाँ। क्या खाया सुबह से? चाय पी? पीती। चाय पीती? बिस्किट खाए थे? खाए थे। हाँ। आपको कैसा लग रहा है? आप अभी, आपकी भी ज्यादा उम्र नहीं है मगर आपको चार चार जो है पोती और पोते मिल गए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी मुझे लग रहा है और किसी बच्ची की शादी वादी भी नहीं हुई ना? एक लड़का को और भी करा था शादी, बल्लमगढ़ रहे थे। अच्छा। बहू लेके अपनी, वो आया ना। बच्चे अच्छे हैं उसको? हाँ, उसके भी बच्चे हैं। एक लड़का। अच्छा, पहले से पोती पोते हैं? हाँ। इसीलिए एक्सपीरियंस है कि कैसे रखना है पोती पोतों को? अच्छे रखना है। नहीं, इसीलिए आपको मालूम है कि पोती पोतों को कैसे रखना है, इसीलिए गोद में बैठा हुआ है बच्चा आपकी में है? तो दादी का प्यार मिल रहा है आपको बेटा है? हाँ। अरे बाप रे, मैं कैसे बताऊं, इतने बेबाक तरीके से बच्चे भी मतलब बोलने में इतने एक्सपर्ट है, एक बार भी ये नहीं लग रहा है कि मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ या फिर बड़े इंसान से बात कर रहा हूँ। तो ये सभी देख सकते हैं कि जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तान से जब आई थी तो आई तो थी अपने प्यार को हासिल करने के लिए, मगर साथ में अपने बच्चों को भी लेकर आई। अपने बच्चों से उन्होंने दगा नहीं की। बहुत खुश हैं सचिन के साथ में और हमेशा हमेशा यहाँ रहने के लिए।
वो योगी जी और मोदी जी से अपील कर रही है कि यहाँ पर रहने की उन्हें अनुमति मिल जाए और बहुत जल्द दोनों शादी भी करने वाले हैं रीति रिवाज के अनुसार। बने रहेंगे हम आपके साथ में, देखते रहिए खबर तहकीकात। ये वीडियो खत्म हो गया और भाई आज तो एक नए ही दिखा इस वीडियो में कि पहले नंबर तो बात ये भाई जो लड़की है वो जिस तरह बोल रही थी हिंदी के वर्ड लगता ही नहीं पाकिस्तान में होती ना, मतलब पाकिस्तान की और जुबान में। हम तो सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं ना, चलो हमें काफी आती है हिंदी, लेकिन ये कि वो भी काफी अच्छे से उनके साथ रहते हैं वो यूज कर रही थी। और बाकी बच्चों की बात करें तो भाई बच्चों के जो नाम इधर बताए गए, कोई प्रियंका बता रही थी, कोई मुन्नी बता रही थी, कोई मतलब प्रियंका नाम देखा जाए तो भाई अक्सर हिंदू लड़कियों के ही होता है प्रियंका नाम, मुस्लिम लड़कियों ने नाम चेंज कर लिए होंगे ना उधर। तो दिया है उस बहन जी ने कि मैंने मजहब चेंज कर लिया है। अच्छा, खुद कह रही है कर लिया, अभी उसका नाम सीमा है और बच्चों के नाम चेंज हो गए। चेंज हो गया उसका नाम सीमा है, वही तो अभी तक भी कि वो लड़की का नाम अभी नहीं बदला, बच्चों के नाम बदल चुके, पहले चेंज हो गए। उसने मजहब चेंज कर दिया जो होता नाम वगैरह सब कुछ नहीं बदला। हाँ तो बच्चों का भी तो वही मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब, बच्चों का नाम कर दिया, बच्चों का नाम चेंज हो गया। और वह जो रिपोर्टर भाई थे रिपोर्टिंग कर रहे थे, अब बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, उनसे दो सवाल पूछोगे हाँ या ना बोलोगे तो वो या हाँ करेंगे या ना, एक लाइन तो उन्होंने बोल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया जी, सवाल किया जी पाकिस्तान अच्छा है या बुरा है, पहले तो वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अच्छा भी बोला तो सिर्फ बुरा बुलवाया, पाकिस्तान गंदा है, बुलवाना सिर्फ यही था कि पाकिस्तान अच्छा नहीं है हिंदुस्तान अच्छा है, क्योंकि आप वो रहने लगे हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो उन्होंने वो ही कहना था जब वो जा रह रहे हैं और प्यार भी मिल रहा है उनको, तो अच्छी बात है जहाँ वो अब रह रहे हैं। तो ये है इधर उन्होंने मुश्किलें झेली, इधर तो हकीकत बात ये है 13,000 रुपया कमाता है, इधर 70,000 रुपया महीने का मिलता है, उनकी अम्मा अट्ठे की लाइन में लगती थी। लेकिन आप लोगों ने वो मेरी पूरी स्टेटमेंट सुनी नहीं। अच्छा जी सुनाए पहले स्टेटमेंट। इधर वो लोग दुखी थे, बहुत मुश्किल बहुत थे, गरीब थे, गरीब 70,000 भी जाकर इस तरह के मुश्किल हालात उनके ऊपर न आए। सही है। अच्छी वो तो वक्त गुजरेगा तो पता चलेगा, और बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो उधर शायद यहाँ पर उनके लिए स्कूल नहीं थे, पैसा नहीं था, इधर से चली गई, प्यार करने वाले से चली गई, वही वो तो चली गई लिए गई है, ना कोई उसे पैसे का लालच था है जी। अगर बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, जिस तरह वो योगी सर और मोदी जी से कर रहे थे कि हमें वो जो भाई वो तो चलो मान लेते हैं, उनकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मौजूद वही हक बनता है बच्चों की बात सुनना और उनको स्कूल के या जो अखराजात देना या करना, लेकिन ये देखना पड़ेगा इधर पैसे की वजह से वो नहीं गई, वो सिर्फ और सिर्फ गई मोहब्बत में मुब्तला होगी उधर, मुश्किल ना उनको है। तो हम भी कहते यार हम कौन सा कह रहे हैं मुश्किल, पहले जो उनके पति हैं उनसे गिला शिकवा जाहिर कर रही हैं कि हाँ। मुझे फोन पर भी रिस्पेक्ट नहीं देता था, इज्जत नहीं देते, उसने दूसरी शादी कर रखी है जो तेरे को इतना जलन फील हो रही थी भाई, सब कुछ मिलता होगा इस औरत को, सिर्फ उसने भी छोड़ा है वो जो पबजी खेली, जो भी मोहब्बत में आ गए, वो पबजी खेलती है तो उसका फोन ना उठाती हो या देर से फोन उठाती हो तो उसने बंदा गुस्सा भी तो हो ही जाता थोड़ा सा, तो उस एक मुद्दे को लेकर हमारे गांव से हमारे मुल्क से जो लोग बाहर जाते हैं किसके लिए गए, वहाँ कुर्सी पड़ी हुई जाकर बैठ जाते हैं, कितनी मुश्किलें झेलते हैं मेरे भाई, प्रदेश कितना मुश्किल होता है यार, जो अच्छा वो मेरे ख्याल से, लेकिन उधर उनकी अच्छा फिर अच्छा किस तरह हो गया, नहीं हुआ, चार बच्चों की माँ है, पैसा भी मिलता है, खुशहाल भी है, परिवार है, फिर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, अगर बात है मेरा भैया कुर्बानियाँ देनी पड़ी यहाँ से, ये कौन सी कुर्बानी दी उसने भाई, तो ये कुर्बानी नहीं है। अच्छा तारक भाई आप मुझे ये बता दे, वो कह रहे हैं कुर्बानी देनी पड़ती, कैसी ये कुर्बानी, ये सारा करना लानत ली है अपने मुंह पर इसने, और कोई एक तो अपना मुल्क छोड़ा,
ये रहती दुनिया तक उसके बच्चों को ताने सुनने ही पड़ेंगे। क्यों सुनने पड़ेंगे? देख लेना, देख ले कितने मासूम बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं मासूम, उनको क्या पता हमारी मुश्किल पड़े ना यार। एक बात उनके साथ लोग जो ना अच्छा व्यवहार करे यार, वो तो हम भी मौसम भाई दुआ करते हैं, हम भी कहते हैं, हम भी कहते हैं बच्चों को भी रहे, वो है तो एक ही ना, चाहे इंडिया में रहे चाहे पाकिस्तान में रहे, यार हम भी दुआ करते हैं बच्चों को सब कुछ मिले। भाई साहब बात सीधी सी है, वो ना कहावत है पंजाबी में, नमी दे नौ दिहाड़े, बिल्कुल इतनी बात है, ये चार दिन की चांदनी है, सब कुछ मिलने आ रहा है, ये फिर वही है, चार दिनों बाद तो कोई सुनेगा, लोग अच्छी ख्वाहिश नहीं जाहिर कर सकते। भाई साहब जो भाई साहब हम एक बंदा कहते हैं गलत क्या है, खातिर यहाँ क्या छोड़ते, उन्होंने मजहब चेंज कर लिया है, फर्ज तेरी मजहब में जाने की छोड़ते। अच्छा मैं एक मिसाल देता हूँ, मजहब की बात, हसन अली ने शादी की थी इंडिया के अंदर, शुएब मलिक ने सानिया मिर्जा के साथ शादी की, आज भी हिंदुस्तान के अंदर आज भी बंदे बातें करते हैं सानिया मिर्जा को क्यों उसने शादी क्यों की, हालांकि वो मुसलमान थी, मर्जी की उसने शादी की थी, आज भी हिंदुस्तान में बातें करते हैं, जर्मन तरीके थे, आज भी बंदे बातें इंडिया में करते हैं, उसने क्यों शादी की, किसी का लड़कियों से शादी करते हो तुम्हें ताने नहीं मिलते, फिर यार ये बंदा क्या बात है, हर इंसान का अपना राइट फर्ज किया जाए, हर शादी करती है लेकिन शादी करके आगे किसी से अपने बच्चों को छोड़ के कामत को छोड़ के जाना तो अच्छी यार ये ना, तो उस औरत ने तो पहले बोला था मैं अकेली आ जाती, लेकिन उन घर वालों ने बोला नहीं, औरत तो प्यार मेहनती हो चुकी थी उसे, तुम लोग ना एक तलाकशुदा लड़की से शादी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हमारे गांव में कई लोगों ने की हुई कैसी बातें करता है, वही करते हैं ये पीछे, या थोड़ी सी उसकी उम्र ओवर एज हो जाए ना लड़की की। अच्छा क्या मेरे कजन ने नहीं शादी की अभी दूसरी लड़की, दूसरी शादी, तेरे कजन की भी तलाक ही थी पहले, नहीं की तो है ना, उसकी शादी हुई थी उसने फिर उसको मार दिया, यार क्या बात है, गलत मुद्दे पे चला जाता है, जो मेन मुद्दा ना उसको छोड़ के जहर पे चला गया, छोड़ दिया भाई साहब, चले गए उधर, उनका भविष्य अच्छा, इधर के यार हम भी कहते हैं मौसम को अच्छी जिंदगी गुजारे, इतना मुझे पता है कि भाई अपने असली बाप से बढ़कर कोई दूसरा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता पूरी दुनिया में, जो असल बाप है वो ही मोहब्बत दे सकता है, ये कोई चार दिन दिखाने के लिए करेगा फिर मारेगा पीटेगा, वो 13,000 पे मौसम भाई 13,000 से ये 15 हो जाएगा, इस बच्चे को कैसे संभालेंगे भाई साहब, यार तू नेक वशा तो जहर कर सकते हो ना, हमने दुआएं दी है लेकिन भाई साहब जो उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, अब हर कोई जो आजादी खुल्लम खुल्ला औरतें ऐसे ही करना लग जाए उसको मन करे, वो जो इंडिया में पहले हुआ है वो भाई साहब कितनी मेहनत से उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, जैसे अच्छी पोस्ट मिली उनको, हाँ उसको भी बोलता है ये, तो इधर भी तो ऐसे होता है, चलो ये तो इंडिया, इधर इंडिया गलत है ना भाई साहब, ये ट्रेंड अगर ये ऐसी जो है कई वाकयात होते हैं, अच्छा नहीं है, मैं कौन सा कमाल है यार, और क्या असल मोहन साहब जो सच है उसको सच बोल लो ना यार, तो मैं सच बोल रहा हूँ उसने अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं आगे से बोल भी हूँ तो वो तंग रहे या उसको बाहर निकाल दे, नहीं 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 ये बात खातर मैं ऐसा बोल सकता, इंसानियत की खातर जो आप कह रहे हैं, बच्चों की खातर जो कह रहे हैं, मैं भी कहता हूँ बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए, तो फिर मैं ये अच्छा होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं वो नहीं होगा आगे चल के, ये इस तरह के दिन नहीं रहेंगे, ना कोई माँ से प्यार कर सकता है और ना ही बाप से, बिल्कुल सीधी बात है भाई, ये चार दिन खुशियां मनाएंगे, जब जो आस्ता आस्ता ना वो रंग उतरेगा ना, बिल्कुल वो नीचे वो ही निकलेगा, तो भाई साहब ये लड़ाई झगड़े चलेंगे। अच्छा फिल्म और ड्रामे में क्या दिखाया जाता है, फिल्म और ड्रामे में क्या दिखाया जाता है, ये फैमिली के माहौल दिखाया जाता है, वालदैन का तरीका, सास-ससुर बहू का तरीका नहीं दिखाया जाता, इंडिया में भी पाकिस्तान में वो ये दिखाया जाता, फिर बाप ले आए, हालांकि मजहब बेशक हमारे मुख्तलिफ होंगे, वो तो मांग रहा है, औरत बोल रही थी अगर बड़े जाना चाहते तो चले जाए, सुन क्या रहे हो तुम, तो हो सकता है वो बच्चे वापस चले जाए पाकिस्तान आ जाए, अच्छी बात है वापस आ जाएंगे,
उनका बोल कुछ ना कुछ तो अच्छा तारक तो देखना। मजहब हमारे बिल्कुल मुख्तलिफ है लेकिन कल्चर सेम ही है, सेम ही है। कल्चर हमारा एक जैसा ही है भाई साहब। भाई साहब गलत चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए, जो हुआ गलत हुआ, बाकी प्यार में बंदा स्टेप बहुत बड़े ले जाता है, ले जाता है। और कितनी मिसालें हैं प्यार में, ऐसी चीज है जिसमें ना बंदे को शर्म रहती है ना कोई हया रहता है, ऐसी बात सब हदें पार कर। और ऐसे काम होते भी तब है जब शर्म हया उतर जाता है ना, ऐसे काम होते भी तब है भाई, बिल्कुल ये हकीकत। और अगर हर बंदा यही करने लग जाए ना तो भाई साहब ये बंदे जो घरों की दीवारें बना रखे ना ये गिरा दे। जो मर्जी आए काम, जिसके साथ जिसको जाना है जाए, फिर कोई इज्जत का दायरा तो रह गई नहीं। अजीबोगरीब स्टोरी सुना देता है, वापस ले आए उनको। भाई साहब हम ख्वाहिश करते हैं कि भाई चली गई खुश रहे, लेकिन यही तो बता रहा हूँ ऐसा मुमकिन नहीं है। वो मोहब्बत कभी भी नहीं मिलेगी जिस तरह वो आखिर मोहब्बत करने वाला, दो साल तीन साल आकर फिर लड़ाई झगड़े चलेंगे। और मैं तो भाई साहब ये बंदा जो लड़का है मैं तो इसकी मेरे ख्याल में पता नहीं सेम यही है या कोई और लड़का है, टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे रील्स देखे हैं, उस भी वक्त भी बीवी के खिलाफ ये लड़ रहा था, ये था ये और सेम शक्ल है भाई साहब। तो मैं जब हालात तंग होंगे ना ये तो अफसोसा करेगा, ये लड़ाई होगी भाई साहब। ये उसके साथ इतना चुस्त चला दिखाई तो चुस्त चला, कैमरे के सामने मैं बन जाता हूँ बैठा, कैमरे के सामने उसने मौसम जब वक्त चेंज आएगा ना स्कूल की फीस नहीं है, ये बंदे ने दबाव कमाया है। तू बोल रहा ना कैमरे के सामने वो कुछ भी नहीं कर रहा, चुपचाप बैठ रहा हूँ, और जब वो रील बनाता तो वो कैमरे के सामने नहीं बनाता। वो एक बंदा दूसरे मुल्क से इतना वो इधर आया से इधर से उठाकर जबरदस्ती आप लोगों की आंखों के सामने लेकर गया। चलो जी जबरदस्ती तो नहीं ले गया भाई साहब, ये बंदा बस अपनी बात ही खींचता है, गरीब बात करता भाई। वो लड़के की रील मिली तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, इसमें वो भी लड़की का लेकर यही है कि भाई साहब अच्छे से और हमारे भाई साहब दिल से दुआ है, हम भी कहते हैं खुश रहें, बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो बिल्कुल। और भाई जो इधर वापस भी आएगा तो इधर वाले लोग उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, अब इस लड़की को वो उसका शोर कभी भी काबल कबूल नहीं करेगा जो मर्जी हो जाए। तो ठीक है भाई अपने राज रुख कर भी सकते हैं, बच्चों के खातर बंदा कुछ भी हो सकता है भाई साहब, कि आप मजहब ही चेंज करने कर बैठी है, बच्चों को कर लेंगे भाई साहब, वाला दरवाजा बंद हो चुका है भाई साहब, उधर वाला भी ना हो हमारी यही खुश। हाँ बस ठीक है, अब वो अदनान समी देख लो, वो नहीं गया था मुल्क छोड़ के, उसका बेटा फिल्मों ड्रामो में काम कर रहा है, उसने अपने वालद को छोड़ दिया क्योंकि उसने कहा मेरा वालद मुझे छोड़ के इंडिया चला गया था, मुल्क छोड़ गया, उसने आज ऐलानिया किया है पूरी दुनिया के सामने अदनान समी के बेटे ने, मेरे लिए मेरा बाप मर गया है क्योंकि उसने मेरा मुल्क छोड़ दिया है। अदनान समी जिंदा है आज इंडिया में, गुलफकार सिंगर बहुत बड़ा है, सपनों की दुनिया में अपना बदुश्मनी वाले खुन्नस निकाल रहे और कुछ अच्छा नहीं, नहीं खुन्नस नहीं, उसका बेटा करोड़ों में काम करता है, सारी दुनिया घूमता है यार। आप लोग कहते हैं कि उधर शादियां नहीं करते आप लोग, तो इन्होंने कर लिए तो कौन सा इसने, वो यार हम लड़की को कुछ नहीं कह रहे मौसम भाई, वो लड़की ने खुद की है। एक मिनट, वो भाई साहब हमारा कल्चर खराब करके गई है, बिल्कुल कल्चर उसने खराब किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बैठ कर तो भाषण तो बहुत दे रहा है, जब खुद पर आता इस तरह की इस तरह के वाकया इंडिया कोई इज्जत नहीं बचेगी भाई, कुछ भी तेरे बच्चों को लेकर कुछ भी नहीं रहेगा, कोई बंदा बात नहीं कर, मनमानिया करो तो मनमानिया कर तो रही है जो इधर उनको रोक दो, आप जैसे लोगों की वजह से कर रही है, कोई रोकने टोकने वाला कोई कहने वाला तो यही तो अच्छाई बुराई बताने वाला ही कोई नहीं होगा, तो मन मर्जी तो तेरे ही बोलने से अच्छाई बुराई की खत्म हो जाएगी भाई साहब, बात तो करनी चाहिए, बात कर तो दिया गलत किया बस, वो यहाँ पर भक्तों के कुक नहीं दबाया जा रहे हैं। वो ना भाई अक्सर कहावत देते हैं कि बात करता है हीर रांझा की स्टोरी हर कोई पसंद करता है, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि भी है भाई हीर हमारे घर में पैदा हो। बिल्कुल हकीकत बात है, तो भाई साहब सरों की पगड़ियां उतर जाती हैं, ऐसी बात है जब बहू बेटी घर से भाग जाती है, सीधी बात है, इसमें कोई दूरी कल्चर में कोई बंदा वहां से बताए उनकी अगर बहू बेटी भाग जाए तो क्या पल्ले रह जाएगा उनके। अगर एक मिसाल के तौर पे इंडिया से अगर ये लड़की इधर इस तरह भाग के आई होती, क्या इंडिया के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स होता है उसके लिए, इज्जत देते हुए
कोई भी इज्जत ना देता। वो कहते हैं मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तू कह तो रहा है अच्छा काम किया, यही तो बोल रहा है तू, और क्या कर रहा है मतलब तू यही कहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे मुआशरे को खराब करने वाली बात भाई साहब, ये गलत चीज है। ऊपर से मीडिया को इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है, ये दिखा रहा है लोगों के। नहीं अगर अगर वो मौजम अगर वो शादी है, आप लोग मीडिया बंद करवा दे ताकि एक बार सुन ले आपके प्यार में। अगर ये लड़की मौजम एक बार अगर ये लड़की शादीशुदा ना होती, इस लड़के से शादी करती, अपने वालदैन से बातचीत कर लेती, मर्जी से शादी करके फिर आ जाती, वो एक अलग बात, फिर आ जाती, कोई इतराज नहीं। वो मर्जी की शादी होनी थी, जिस तरह शुएब मलिक ने की है, हसन अली ने की है, इसी तरह अगर कर लेती तो कोई मजा नहीं था। ये बंदे को छोड़ के चार बच्चों को, बच्चे भी हैं, 70,000 महीना करने शुरू कर दीजिए। चलो मौजम की मान ली, हमारी तो दुआ है कि बंदा अल्लाह उस बंदे को हिम्मत दे, बिल्कुल सारे खर्चे उठाए, ज्यादा नहीं, कभी उसके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो और ये बच्चे खुशहाल रहे। इंडिया में वैसे भी तालीम का मियार ज्यादा है ऐसी बात, उनका हमारे पाकिस्तान से ज्यादा है, उनका फ्यूचर बन सकता है अगर अच्छी तालीम मिले तो। बिल्कुल तो ठीक है भाई, मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।